पार्थिव माने पृथ्वी का पालन करने वाला
प्रथम अवतार धारण किया। पृथु का तात्पर्य है जो व्यापक होकर के, बड़ा होकर के, मोटा होकर के विराजमान हो। पृथु माने मोटा ताजा, तो पृथु माने ताकतवर स्वरूप, विशाल स्वरूप धारण करके वे विराजमान हुए। पार्थिव माने राजा परिवार, और दुग्धम दुग्ध और इमाम औषधि विप्रा, दुग्धे माने उन्होंने दुह लिया, इमाम माने पृथ्वी को और औषधि को। तेनाली उषोत्तम, वे उषोत्तम माने परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान। अब रूपम से चक्रे मत्स्यम, आगे वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। चक्रे का तात्पर्य मत्स्य अवतार तो नित्य है, परंतु अमुक अवसर पर उन्होंने वेदों का उद्धार करने के लिए, श्री सत्यप्रतिमन को ज्ञानोपदेश प्रदान करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। तो रूपम से चक्रे मत्स्यम, उन्होंने मत्स्य अवतार जो है उसको ग्रहण किया। चाक्षुषो गध संपूर्णे, जब चाक्षुष मन्वंतर उसमें संप्लव माने प्रलय उत्पन्न हुआ, खंड प्रलय हुई। छठे नंबर का जो चाक्षुष मन्वंतर है, उस चाक्षुष मन्वंतर में जब उदर ही माने समुद्र, उनका संप्लव माने प्रलय हुआ, माने खंड प्रलय हुई, उस समय नाभ्या आरोप्य मही मही मैया, उन्होंने मही मई माने पृथ्वी मई, पृथ्वी ऊपर नाभ के ऊपर आरोप्य श्री वैवस्वत मनु को आरोपित करके उनकी रक्षा की। तो नाभ्या आरोप्य मही मैया, पृथ्वी की बनी हुई पृथ्वी को ही नाभ बना करके अपात वैवस्वतम मनु मनु, उन्होंने वैवस्वत मनु की रक्षा की। ये चाक्षुष मन्वंतर में कह रहे हैं, चाक्षुष मन्वंतर में पर मन्वंतर श्री मत्स्य अवतार प्रत्येक मन्वंतर के प्रारंभ में है, माने ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार मत्स्य अवतार है प्रत्येक मन्वंतर के प्रारंभ में है। इस मन्वंतर में 2 बार अवतार हुआ, एक बार आपने ब्रह्मा जी को वेद ला करके प्रदान किए, और इस समय मनु को आपने ज्ञानोपदेश प्रदान किया। ये इस मन्वंतर में 2 अवतार, 2 बार अवतार। मन्वंतर के प्रारंभ में तो हमेशा अवतार होता है, और मन्वंतर के प्रारंभ में जब प्रलय होती है उस समय वे मनु की रक्षा करते हैं, परंतु चाक्षुष मन्वंतर में उन्होंने स्वामी मनु उनकी नहीं वैवस्वत मनु उनकी रक्षा की। स्वामी मनु नहीं, स्वामी मनु पहले। तो नाभ्याम आरोप मही मैया, पृथ्वी मई नाभ के ऊपर अपात वैवस्वत मनु वैवस्वत मनु की उन्होंने रक्षा की। चाक्षुषोदर संप्लवे, चाक्षुष मन्वंतर में भी उन्होंने कि ये चाक्षुषो दधि कहने का तात्पर्य है कि इस समय विशेष रूप से रक्षा की। सुरासुराणां उद्धतिं मध्यतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठे एकादशी। 11वां भगवान का जो अवतार हुआ वो 11वें नंबर का अवतार है, ये काल का क्रम नहीं है, संख्या है केवल, निर्देश मात्र। 11वां जो अवतार है वो जब सुर असुराणां देवता और असुरों ने मिलकर के उद्धतिं मध्यतां समुद्र को मथा, और समुद्र को मध्यता मंदराचल, तो उस समय मंदराचल पर्वत को रई को दध्रे कमठ रूपेण उन्होंने कछुए का रूप धारण करके दध्रे माने अपनी पीठ पर धारण किया। एक आदर्श विभु, ये 11वां उन विभु का अवतार था। धन्वंतरम द्वादशमा, धन्वंतरी अवतार ये 12वां अवतार है, और ये अवतार भी आवेश अवतार है। तो धन्वंतरि द्वादशमा 12वां अवतार धन्वंतरि अवतार हुआ, और
त्रयोदशम एव च, और तेरहवा जो अवतार है वो है अपाय स्वराम अन्य, और उन्होंने अन्य माने दैत्यों से अलग करके, सुराम माने देवताओं को, अपायक माने पिलाया, मोहिनिया मोहिन स्त्रिया मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके उनने देवताओं को अमृत पान कराया। तो धन्वंतरि द्वादश में बारहवा अवतार धन्वंतरि का है, तेरहवा अवतार श्री मोहिनी का अवतार है जिसमें स्त्रिया माने स्त्री वेश धारण करके सुराम अन्य देवताओं को दैत्यों से अलग करके अपायर मोहयन, अन्य मान दैत्यों को मोहित कर दोगे, देवताओं को अमृत का पान कर। तो अन्य मोहयन अन्यों को मोहित कर दोगे, देवताओं को अमृत का पान कर। चतुर्दशम नारसिंह, चौदहवा अवतार नृसिंह अवतार है, बिभ्रत दैत्य मूर्जितम, और उन्होंने ऊर्ज पर माने परम शक्तिशाली दैत्येंद्र माने हिरण्यकश्यप को दता कर्जे बक्षसि वक्षसि, वक्षसि माने उसकी छाती पर, कर्जे माने अपने नाखूनों से, दता माने धार करके रख दिया। तो चतुर्दशम नारसिंह बिभ्रत, चौदहवा नारसिंह स्वरूप, नृसिंह स्वरूप धारण करते हुए उस दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप को, जो ऊर्ज तम बड़ा शक्तिशाली था, ददार माने चीर करके फेंक दिया, कर जाई माने अपने वक्षस्थल को, अपने नाखूनों से वक्षस्थल उसके छाती को फाड़ दिया और एर काम कट कर दिया था, जैसे कटकृत माने कोई चटाई बनाने वाला व्यक्ति एर का माने किसी घास को चीर देता है, एर का जो है वो किसी घास को, एर का नाम क्योंकि जो घास है उस मोटी घास को जैसे वह चीर देता है, इस तरह से चीर देता है। कटकृत माने चटाई बनाने वाला, दलिया बजाने बनाने वाला कटकृत। पंचदशम बामनकम, कृत्वा अटा अधोरम बले, पंद्रहवा जो स्वरूप है वो बामन स्वरूप है, उस बामन स्वरूप को धारण करके अगाध अधोरम बले, वे बल राजा के यज्ञ में गए, अगाध अधोरम बले बल राजा के यज्ञ में गए, और पदत्रयम याचमाना, उन्होंने तीन पैर पृथ्वी को मांगा, प्रत्यादिशु त्रिविष्टपम, और प्रत्यादिशु वे त्रिविष्टप माने स्वर्ग, उस स्वर्ग को प्रत्यादिशु माने इंद्र को देना चाह रहे थे, लौटा देना चाह रहे थे, प्रत्यादिशु त्रिविष्टपम। अवतार के षोडश में, सोलहवें जो अवतार है वो हुआ है पश्चिम बंधन ध्रुवो निर्पाण, जब उन्होंने ये देखा कि नृपान माने राजागण ब्रह्मद्रोह ब्राह्मणों के साथ में द्रोह करने वाले हो गए हैं, उस समय त्रिसप्त कृत्वा कुपिता, 21 बार त्रिसप्त माने सात का तुगुना माने 21 बार उन्होंने कुपिता माने कुपित होकर के त्रिसप्त कृत्वा कुपिता निक्षत्राम अवरोध नहीं, उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्री किया माने पृथ्वी जो है उसमें से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया है। तो ये सोलहवा अवतार हुआ जबकि उन्होंने ब्राह्मणों को का विरोधी राजाओं को जब देखा तो उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय बना दिया, क्षत्रियों से रहित बना दिया, 21 बार पृथ्वी को ऐसा किया, जो क्षत्रिय वेश बदल करके या स्त्री का वेश धारण करके बैठ गए या ब्राह्मण का वेश धारण करके छिप गए उनको केवल छोड़ा, बाकी के लोगों को जो अस्त्र लेकर के आए उन सबको मार डाला, सबको काट दिया। तथा सत्यदशे जाता सत्यवत्या पराशरा,
17वां जो अवतार है वो श्री सत्यवती जी में पराशर ऋषि के द्वारा भगवान का 17वां अवतार हुआ। पराशर ऋषि हैं, उन्होंने कहीं यमुना जी के किसी टापू के ऊपर घूमते हुए किसी परम सुंदरी एक दार्श कन्या का दर्शन किया, एक मल्लाह की कन्या का दर्शन किया सत्यवती जी का, जो देव कन्या थी, पर उनका नाम मत्स्यगंधा था, शरीर से बदबू आती थी मछली की। परंतु श्री वेदव्यास जी ने जैसे ही उनको छुआ वैसे वे परम सुगंधि सुगंधवती और परम सुंदरी होकर के वे देवकन्या हो गए और उनमें श्री सत्यवती जी में श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। बाद में वे ही सत्यवती द्वारा विवाही ये ऋषि माने पांडवों के पूर्वजा होकर के भी विराजमान हुए, वे बाद में विवाही कौन को भी हाँ शांतनु जी को, वे शांतनु के चित्रांग को विचित्रवीर ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, फिर विचित्रवीर जो हैं उनके यहाँ पर पांडु और विदुर और विदुर और धृतराष्ट्र ये तीन पुत्र उत्पन्न आगे। तो ये बाद में वो सत्यवती गए, उन सत्यवती जी में ही श्री वेदव्यास जी का पहले जन्म हो गया था, फिर ये तो सत्यवती हम पराशरा चक्र वेद तरो शाखा, उन्होंने वेद वृक्ष की शाखाएं की क्योंकि मनुष्य अल्प मेधसा अल्प बुद्धि वाले थे। चक्र वेद तरो शाखा वेद के वृक्षों की शाखा की, दृष्टवा पुंसा अल्प मेधसा के जीव अल्प बुद्धि वाले हैं ये देखकर के उन्होंने वेद की शाखा की। नर देवत्व मापन्ना सुरकार्य चिकित्सया, अब नर देवत्व मापन्ना वे ही भगवान का फिर अगला जो अवतार हुआ 18वां अवतार वो नर देवत्व मापन्ना राजा होकर के उत्पन्न हुआ। नर देवत्व मन श्री राम होकर के वे उत्पन्न हुए, तो नर देवत्व मापन श्री राम होकर के वे उत्पन्न हुए। सुर कार्य चिकित्सया, देवताओं का कार्य करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए माने रावण इत्यादि का वध करने के लिए, राक्षसों को नाश करने के लिए श्री नरदेव होकर के राम होकर के उत्पन्न हुए। और समुग्र विग्रहादिनी चक्र वीणानि अतः परम, उन्होंने समुद्र को भी वशीभूत करने का जो कार्य है वो किया। और अतः परम जो मनुष्य नहीं कर सकता है, अतः मतलब मनुष्य से परे ऐसे अतिमानव कार्य को उन्होंने किया, समुद्र का को भी बांध लेना, समुद्र को भी वशीभूत कर लेना, ये हर एक के बस की बात नहीं। तो समुद्र निग्रह आदि चक्र, समुद्र के निग्रह आदि अलौकिक कर्मों को उन्होंने किया, माने समुद्र को बांध देना, रावण को मार देना अकेले, ऐसे अद्भुत अद्भुत जो कार्य हैं उनको उन्होंने किया। फिर एकोनविंशति माने 19 और 20 में अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं कौन, वृष्टि सुख प्राप्ति जन्मनी के, वृष्टि माने यादवों के वंश में जन्म ग्रहण करके 19वां और 20वां ये दो अवतार राम और कृष्ण के हुए, कृष्ण और बल्ले इनके दो अवतार हुए 21वें और 20वें। और भुवो भगवान हरत धर्म, और भगवान ने पृथ्वी का जो भार है उस पृथ्वी के भार को उन्होंने दूर किया। 21वां 20वां
या यादवों के बीच में उनका जन्म हुआ और उन्होंने रामकृष्ण इति रामकृष्ण ये दो नाम धारण करके, कृष्ण बलदेव ये दो नाम धारण करके भगवान अहरत धर्म में भूरो भवो मन पृथ्वी के भार को उन भगवान ने दूर कर दिया, पृथ्वी के भार का हरण कर दिया। तथा कलम संप्रवृत्ते सम्मोहाय स्वर्ग दिशा, उस समय कलम संप्रवृत्ते जब कलयुग आया, कलम संप्रवृत्ते कलयुग आने पर सम्मोहाय स्वर्ग दिशा जो स्वर्ग दिशा माने दैत्य, उन दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्धो नामना जनसुता बुद्ध नाम करके वे उत्पन्न हुए। बुद्धो नामना बुद्ध नाम करके उनका जन्म हुआ, अजन नामक जो हैं उनके वे पुत्र हुए, अथवा जिन सुतः जिन नाम करके कोई पिता थे उनके पुत्र होकर के वे उत्पन्न हुए, जिन या अजन उनके पुत्र होकर के वे उत्पन्न हुए। तो बुद्ध होकर के वे प्रकट हुए और कीट के कीकटेश भविष्यति वे कीकट प्रदेश में उत्पन्न होंगे, कीकट मन गया प्रदेश, गया धाम, गया धाम में वे उत्पन्न होंगे कीकटेश भविष्यति। ये भविष्यति होंगे तो गया आदि प्रदेशों में उत्पन्न होंगे। जन्म तो हुआ लुम्बिनी में, मैंने आजकल तो है तो बिहार के पास में ही, यार दूर तो नहीं लुम्बिनी में, आजकल तो नेपाल में है, तो नेपाल में तो उनका जन्म हुआ। और ये वही कह रहे हैं कि बुद्धो नामना अजन सुपा या जिन सुपा, जिन के पुत्र होकर के वे आगे उत्पन्न होंगे। ये 21वां अवतार हो गया। अब 22वां अवतार दिखा रहे हैं, अथासौ युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनता विष्णु यशसः नाना कल्पित जगतपति। अथ असौ युग संध्याया, जिस समय कलयुग और सतयुग इन दोनों युगों की संध्या का समय उत्पन्न होगा, मिलने का समय उत्पन्न होगा, युग संध्या का समय उत्पन्न होगा। दस्यु प्रायेषु राजसु जितने भी राजा भी डाकुओं के समान ही हो जाएंगे, राजा जब डाकू जैसे हो जाएंगे और युग संध्या का जब समय आएगा उस समय जनता विष्णु यशसा वे विष्णु यश मान करके ब्राह्मण उनके यहाँ पर जन्म लेंगे, कल की होकर के जन्म लेंगे। उस ब्राह्मण का नाम विष्णु यश होगा, तो विष्णु यश नाम करके जो ब्राह्मण हैं उनके यहाँ पर वे अवतार धारण करें। तो जनता विष्णु यशो उनकी उनके द्वारा वे उत्पन्न कीकटेश माने लुम्बिनी में, कीकट प्रदेश में, गया प्रदेश के पास में वे जन्म लें। नहीं, ये कल्कि जो है वे जन्म लेंगे, कीकटी वो वहाँ पर जन्म लेंगे। कल्कि ये तो उड़ीसा में है, कल्कि का जन्म उड़ीसा में जन्म कीकटेश भविष्य। नाना कल्कि जगतपति, कल्कि उनका नाम है। तो अथासो युग संध्यायाम माने कलयुग और सतयुग की संध्या के समय दस्यु प्रायेषु राजसु जब राजा डाकू जैसे हो जाएंगे, जनता माने के उत्पन्न होंगे विष्णु यशसः विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर,
नामना कल्कि, उनका नाम कल्कि होगा, वे जगतपति हैं, भगवान के आश्रय, जगत के आश्रय हैं। ये कल्कि अवतार भी आवेश अवतार है, भगवान का साक्षात अवतार भी आवेश अवतार है। ये 22 अवतारों का वर्णन किया। अब 23 और 24 ये जो दो अवतार हैं वे योगावतार और मन्वंतर अवतार, इनको मन्वंतर को 23वां और योगावतार को माने इनको 24वां अवतार माने, पूरे ग्रुप को। युगावतार चार होंगे, सत्युग, त्रेता, द्वापर कलयुग, उनका वर्णन भी एकादश स्कंध में किया जाएगा कि कलयुग में शुक्ल होकर के, त्रेता में रक्त होकर के, द्वापर में कृष्ण होकर के और कलयुग में पीत होकर के वे अवतार धारण करेंगे। ये अवतारों का वर्णन कर दिया एकादश स्कंध में। और जो मन्वंतर अवतार है उनकी भी एक संख्या है, या तो मन्वंतर अवतार 14, 14 मन्वंतर हैं तो 14 अवतार होंगे, परंतु उन सब मन्वंतर अवतारों को एक करके माना कि मनुओं के ऊपर कृपा करने के लिए भी भगवान अवतार धारण करेंगे, ऐसे 24 अवतारों का वर्णन किया है। अवतार अब अनुक्त जितने भी अवतार हैं जिनका वर्णन नहीं किया उन अवतारों का भी संग्रह करते हुए कह रहे हैं, माने 24 तो मुख्य अवतार, इसके बाद में भी अन्य अवतार भी हैं। अवतार असंख्या, असंख्य अवतार होंगे। हरे सत्व निधि द्विजा, हे द्विजा माने शौनकालिक ऋषियों, सत्व निधि भगवान सत्व गुण के निधि हैं, उनके असंख्य अवतार हैं। यथा अविदासन कुल्या सरसस्यु सहस्रशः, जैसे सरसह मन किसी सरोवर से अविदासन न सूखने वाले, विदासन कहते हैं नाश, अविदासन माने जिसका नाश नहीं है, न सूखने वाले न रुकने वाले, कुल्या माने छोटी छोटी नदियां हैं, समुद्र सरोवर से बहुत सी निकलती हैं, जितनी भी नदियां हैं वे कहीं कहीं सरोवर से ही निकलती हैं। पहले पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं, एक छोटा सा कहीं गड्ढा बन जाता है, एक सरोवर बन जाता है, उस सरोवर से नदी निकलती है। तो सरयू का तात्पर्य भी यही है, सरयू नदी तो नाम ही इसलिए पड़ा कि किसी सरोवर से निकले, और सरयू ही नहीं बल्कि सभी नदियाँ जैसे गोमुख वगैरह जो हैं वो भी कहीं वहीं से निकली हैं, माने जो ग्लेशियर हैं वो कहीं पिघलते हैं, थोड़ा सा जल बना फिर उससे ही कहीं गोमुख से निकली, अब तो गोमुख बहुत बड़ा हो। तो यथा अविदासन कुल्या, जैसे अविदासन माने न चुकने वाली न रुकने वाली, कुल्या माने नदियाँ, सरसस्यु सहस्रशः हजारों की मात्रा में सरोवर में निकलती हैं। ऋषयो मनवो देवा मनपुत्रा मौजसः कला सर्वे हरिरेव सब प्रजापतिस्तथा, सारे ऋषि मनु देवता मनु के पुत्र जो परम परम बलवान हैं ये सब भगवान की ही कला अवतार ही हैं। कला सर्वे हरे वो, ये भगवान के कला अवतार भी हैं। कला कहते हैं अंश के अंश, भगवान के अंश होंगे ब्रह्मा, ब्रह्मा के अंश होंगे ये सब, तो ये सब कला अवतार होकर के भी विराजमान है। सब प्रजापति तथा, सब प्रजापति प्रजापति इत्यादि के साथ में ये सब भगवान के ही कला अवतार होकर के विराजमान है। अब अंत में निष्कर्ष कर रहे हैं कि ये जो अवतार वर्णन किए इन अवतारों का अवतारी कौन है, ये पूछना है कि इन अवतारों का अवतारी कौन है। अंत में निष्कर्ष कर रहे हैं कि एक चांद कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, एक परिभाषा वचन है, परिभाषा वचन उसे कहेंगे जहाँ पर अनियमे नियम कारणी परिभाषा,
जहाँ पर नियम नहीं हो वहाँ पर भी सब चीज़ को जो बांध ले उसका नाम परिभाषा। अनियम में नियम करने वाली जो वचन है उनको परिभाषा कहते हैं। तो पूरे शास्त्र को जो बांधते हैं ये परिभाषा वचन है, वैसा ही परिभाषा वचन है। इस प्रसंग को यही नहीं समझना चाहिए, ये संपूर्ण शास्त्र में प्रवृत्त होगा, क्योंकि ये जो अध्याय है भगवान के अवतार का वर्णन करने वाला जो अध्याय, ये किसी एक प्रसंग का प्रसंग नहीं चल रहा है, इसमें संपूर्ण शास्त्रों का ही, शास्त्र में वर्णित सभी अवतारों का एक सामान्य प्रसंग चल रहा है, किसी एक अवतार की महिमा का प्रसंग नहीं चल रहा है, एक जनरल प्रसंग चल रहा है कि अवतार कौन कौन से हैं। अब उन अवतारों में बिना किसी प्रसंग के ये सावधारणा श्रुति के रूप में ये बात कही गई कि एते चान सकला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान होकर के विराजमान है। श्रुति दो प्रकार की होती है, एक होती है सावधारणा श्रुति और एक है प्रकरण श्रुति। प्रकरण श्रुति का मतलब है एक खास रेफरेंस, खास कॉन्टेक्स्ट में यदि किसी चीज की महिमा का गायन किया जाए तो उसको हम कहेंगे प्रकरण श्रुति। अब जैसे गणेश जी की प्रशंसा पूजा का प्रसंग चल रहा है तो वहां पर तो गणेश जी की महिमा में एक आ जाएगा, तुम ही इंद्र हो, तुम ही चंद्र हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर हो, जगत के कारण हो। राजा की प्रशंसा चल रही है तो राजा की प्रशंसा में यही कहा जाएगा कि राजा की प्रशंसा गंगा जल के स्नान करने का पुण्य राजा की प्रशंसा कहने से मिलेगा, तुम ब्रह्म हो, चंद्र हो। परंतु ये बात हर जगह लागू नहीं होगी, केवल राजा के प्रसंग में तो ये बात कही जाएगी, अन्यत्र लागू नहीं होगी, इसलिए इसको कहेंगे प्रकरण श्रुति। जबकि यहां पर कोई प्रकरण नहीं चल रहा है, यहां पर तो सारे अवतारों का वर्णन किया जा रहा है, उन अवतारों में बिना प्रकरण के भी अब निष्कर्ष जब निकाला जा रहा है तो उसमें कह रहे हैं, इसलिए ये सावधारणा श्रुति है। सावधारणा का मतलब है पूरे शास्त्र को, किसी एक पोर्शन को लेकर के नहीं बल्कि पूरे शास्त्र को ध्यान में रख करके जो वचन कहे गए उनको हम सावधारणा श्रुति कहेंगे। शास्त्र के तात्पर्य को निकालने के लिए जो श्रुति हो उसको सावधारणा श्रुति कहेंगे। अवधारणा माने विचार पूर्वक, और विचार पूर्वक श्रुति, विचार करने पर निष्कर्ष निकलेगा क्या कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही मुख्य भगवान है। तो कार ये भिन्न उपक्रम में दिया, ये बात पूरी हो गई। अब अगली बात कर रहे हैं कृष्णस्तु माने अवतारी कौन है, बोले अवतारी कृष्ण ही हैं, ये सावधारणा श्रुति के द्वारा सिद्ध हुआ। अब दूसरी बात, तो कार्य जो दिया वो अवतारों में, कोई ये कह सकता है भाई आप कृष्ण को अवतारी कैसे मान रहे हो, कृष्ण की भी तो 19वें और 20वें अध्याय अवतार के रूप में जहाँ गिनती की गई है तो कृष्ण भी तो अवतार हुए, अवतारी कोई अलग होगा। बोलना ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं कह करके दिखलाया कि अवतार कृष्ण को इसलिए कह दिया गया क्योंकि जगत का कल्याण करने के लिए वे प्रपंच में प्रकट हो गए, इसलिए उनको अवतार कह दिया, अन्यथा वे किसी के अंश नहीं है। अवतार के दो अर्थ हैं, अवतार का एक अर्थ है किसी का अंश होकर के अवतरित होना, और दूसरा अवतार का अर्थ है कि अवतरित होना। तो यहाँ पर अवतरित हुए इसलिए कृष्ण की अवतार रूप में गिनती की है, कृष्ण किसी के अंश हैं, विष्णु के अंश हैं, ऐसा समझ करके कृष्ण को अवतार नहीं कहा गया कि वे विष्णु के अंश हैं, ऐसा नहीं कहा गया। प्रकट लीला में ऐसा दिखता है कि जैसे देवताओं ने विष्णु के पास में जाकर के प्रार्थना की और तब कृष्ण का अवतार हुआ, परंतु वो देवता तो गए थे पृथ्वी का भार उतारने के लिए, परंतु श्री विष्णु का अवतार नहीं है। जिस समय विष्णु से प्रार्थना की गई उस समय अवतारी का ही अवतार होना था, इसलिए विष्णु भी श्री कृष्ण में समाहित होकर, कृष्ण में मर्ज होकर के विष्णु ने भी
कृष्ण के भीतर आकर के अवतार धारण किया। तो तुकार भिन्न उपक्रम में एते चांस कला पुंसक कृष्णस्थ भगवान स्वयं कहकर के तीन चीज दिखाएंगे। पहला ये परिभाषा वचन है। परिभाषा वचन का मतलब है कि ये वचन पूरे शास्त्र में लागू होंगे, केवल एक अध्याय में नहीं। जहां जहां भी भगवान शब्द आएगा वहां पर मुख्य रूप से भगवान में कृष्ण को ही ग्रहण किया जाएगा, एक बात। दूसरी, यह सावधारणा श्रुति है। इसका मतलब है कि एक प्रकरण में कही गई श्रुति नहीं है, कृष्ण ही मुख्य भगवान है। और इसको प्रकरण के प्रसंग में, क्योंकि यहां पर कोई प्रकरण नहीं चल रहा है, किसी एक अवतार के वर्णन का प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ पर संपूर्ण शास्त्र का प्रकरण चल रहा है और उसका निष्कर्ष है। इसलिए कृष्ण ही अवतार, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुकार का प्रयोग इसलिए किया गया कि अवतार दो दृष्टियों से कहा जाता है, पृथ्वी पर आना इसके लिए अवतार और किसी का अंश होना उसके लिए अवतार। तो यहाँ पर अंश के अर्थ में कृष्ण नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर कृष्ण आए, प्रपंच गोचर हुए, इसलिए उनको अवतार कह दिया गया। तो एक चांस कला कुंसा, अन्य जो अवतार वर्णन किए गए राम कृष्ण के अतिरिक्त, वे 22 अवतार को अंश और कला होकर के विराजमान हैं। माने नारायण के एक अंश होकर के आए, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान होकर के ही विराजमान हुए। ये कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बात यहाँ पर कही। तो तुकार भिन्न उपक्रम में हुआ। फिर भगवान स्वयं, स्वयं शब्द के द्वारा ये दिखलाया कि कृष्ण में भगवत्ता कहीं दूसरी जगह से नहीं आई है, बल्कि कृष्ण की भगवत्ता उनमें अपने आप विराजमान है। इसलिए कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया है, भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया गया है। कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग हुआ है, भगवान शब्द का बाद में प्रयोग हुआ है। क्योंकि व्याकरण शास्त्र की एक मर्यादा है कि अनुवाद मनुत्व न विधेय मुदीरये, पहले अनुवाद का वर्णन किया जाएगा। अनुवाद माने प्रसिद्ध ज्ञात पदार्थ, उसको कहते हैं अनुवाद। और जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसका वर्णन बाद में किया जाएगा। तो कृष्णस्थ भगवान स्वयं कहकर के दिखलाया कि भगवत्ता को ज्ञात नहीं है, परंतु कृष्ण ज्ञात है। कृष्ण का वर्णन पहले कर दिया गया, अब कृष्ण की एक विशेषता बताई जा रही है, कृष्णस्थ भगवान स्वयं। इसलिए कृष्णचंद्र भगवान यह कहना ज्यादा उचित है। भगवान कृष्ण कहने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण में भगवत्ता का कहीं आरोप हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के ऊपर बैठा दिया जाए, वो राष्ट्रपति था नहीं, पद पर बैठा इसलिए वो राष्ट्रपति कहलाया, ऐसा नहीं है कि भगवत्ता के पद को प्राप्त किया इसलिए कृष्ण भगवान कहलाए, सो बात नहीं है। कृष्ण में भगवत्ता पहले से ही विद्यमान, ये बात। इसलिए भक्तगण सर्वदा कृष्णचंद्र भगवान की जय ऐसा बोलते हैं, भगवान कृष्णचंद्र की जय ऐसा नहीं बोलते हैं। ये इसमें एक दोष आ जाता है, भगवान कृष्णचंद्र की कहने पर अभिमिश्र विधेयांश दोष। जहाँ विधेय वस्तु का वर्णन पहले कर दिया जाए और अनुवाद का वर्णन बाद में किया जाए तो वहां पर दोष आ जाएगा। बाकी के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का वर्णन सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा, कर्ता का प्रयोग पहले किया जाएगा, फिर कर्ता के रूप गुण क्रिया, जाति रूप गुण क्रिया, इनका प्रयोग बाद में किया जाएगा। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही मुख्य भगवान होकर के विराजमान हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसे अवतारों का ये वर्णन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
सुमिताय गौरः।